एबीपी सौंचा जोश जज्बा जुनून। हमारे अभी कोरोना काल में काफ़ी गैलेरियाँ बढ़ी और हमने देखा करीब 1000 तक गैलेरियाँ थी और हमारे संस्थान के एक फ्रंट में और एक बीच में दो लंबी रोड्स हैं जो कि करीब 800 मीटर्स की है। उसमें डेंस ग्रीन है, फॉरेस्ट है हमारा और काफ़ी फल भी लगे रहते हैं। तो जब गैलेरियाँ बहुत काफ़ी बढ़ी उसके बाद जब ट्रैफिक थोड़ा चालू हुआ तो हमने देखा गैलेरियाँ एक्सीडेंट्स में मर जाती थी, कार भी निकलती थी, स्कूटर्स भी निकलते थे स्पीड में, कई बार 4-5 गैलेरियाँ भी मरी हुई दिखी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और लोगों को समझाना चालू किया, लेकिन समझाने से रिजल्ट्स ना आने के कारण हमने डिसाइड किया कि हम अपनी पार्किंग स्टाइल बदल दें। तो हमने इन दोनों रोड्स में नो व्हीकल जोन, नो पार्किंग जोन कर दिया है। साइकिल्स वगैरह स्लो स्पीड वाले चलते हैं इमरजेंसी में, बाकी लोग पैदल चलते हैं। हमारे संस्थान के शिक्षक और कर्मचारी भी इसमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उनका खुद का कहना है कि नहीं सर, गैलेरी बचाना है, यदि हम 300-400 मीटर दूर कार खर के पैदल जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बल्कि और गैलेरियों को घूमते हुए देखने पर और सकारात्मकता आती है संस्थान में और अच्छा लगता है। अंदाजा लगी है कि ये गिलेरी गाड़ियों से टकराने से या गाड़ियां चढ़ने से मर रहे हैं। तो फिर हमने वही उसी पे अध्ययन किया तो ये मालूम पड़ा कि जैसे लॉकडाउन खुल गया, गाड़ियां अंदर आने लग गया तो गिलेरियां मरने लग गया। तो उसे हमारे माननीय डायरेक्टर साहब ने उनके आदेश अनुसार इस रोड को नॉन व्हीकल जोन घोषित किया गया। अंदर टू व्हीलर और साइकिल बहुत आवश्यक वस्तु में कभी ज़रूरत पड़ने पर उसको परमिट कर रहा है। एबीपी सौंचा जोश जज्बा जुनून।